ओए ओ क्या कर रहे हो यार, ओह क्या कर रही है यार, उसका अंदर लगी उसको यार, ब्लड इसको निकल रहा है बहुत ज्यादा, नहीं इसको लगी अंकल, उंगली को लगी थोड़ी बहुत, ये चीज टूट गई इसकी, चेक करो ना ये देखो, यहाँ पूरा पेंट वगैरह उड़ चुका है ना, पूरा टूट भी चुका है यहाँ से। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबका, उम्मीद करता हूँ गाइस तुम सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस अभी ना व्लॉग कॉलेज के आने के बाद शूट कर रहा हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, लेकिन तभी व्लॉग बनाने के लिए निकल चुका हूँ मैं। तो अभी ना अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ, फिर वहाँ से हम डायरेक्ट होते चलेंगे सिधरा, बाकी जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो वहाँ वेट कर रहे हैं। एक्चुअली वो पहले चले गए, मैं कॉलेज गया था थोड़ा लेट हो गया, उनने कहा था फोन पर कि ऑफ रोड वगैरह का प्लान बन रहा है, तो मैंने सोचा मैंने बड़े टाइम से ऑफ रोड वगैरह किया नहीं है, चलो आज ऑफ रोड ही करके देखते हैं। तो गाइस अपना फ्रेंड आ चुका है, तो अपनी R310 भी आ चुकी है। ये फ्रेंड ने पिछली बार मेरे साथ बैठा हुआ था जब उसकी बाइक शोरूम के अंदर थी, ये ना लीन भी बहुत ज्यादा डरा था, आज मैं देखना चाहता हूँ ये लीन कैसे मारता है। जो भी बंदा मेरे से चलता है ना, तो मैं इसको बोलता हूँ भाई लीन मार बहुत पहने वाले, जितना हो सके लिटा ले। गाइस वीली चक्की कितनी प्यारी सी वीली बजी, तो मैं तो धीरे धीरे परफेक्ट हो रहा हूँ, भाई ने कहा पहले से तो बैटर मारी तूने, थोड़ा आगे तक गया, प्रैक्टिस कर एक दिन परफेक्ट बन जाएगा। लेकिन क्या सीन ना, यहाँ प्रैक्टिस कहाँ करेगा बंदा, क्योंकि यहाँ पुलिस वाले ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और यहाँ साथ साथ एक रीज़न ये चीज़ भी है कि भाई अगर बाइक टूटी ना तो भाई घरों ने मार देना मुझे। तभी ना जा रहे हैं बजालता वाले रूट पे, क्योंकि यहाँ मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जा रहा हूँ मैं, और वो ऑफ रोडिंग करने गए हुए हैं, तो मुझे अकेले छोड़ के। तो आज हम ऑफ रोडिंग करके देखते हैं अपनी बाइक पे, और आज ना मैंने मडगार्ड वगैरह निकाल के रख दिया है, तो सारी चिकड़ ना भाई, पूरी बाइक गंदी होने वाली है आज। मैन ऑफ रोडिंग जितनी भी है ना इसी रूट पे, तो सारे बंदे ना इस तरफ ऑफ रोडिंग करने के लिए जाते हैं। अभी जो ब्रिज के नीचे वाला सीन था ना, वहाँ के सीन है, वहाँ पुलिस वाले एकदम आ जाते हैं, तो वहाँ ऑफ रोड नहीं कर सकता बंदा। साइड में इतने ज़्यादा कीड़े ना, मुझे लग रहा है ना कीड़ों का ही सीज़न है पूरा का पूरा, थोड़ा सा बाइक के ऊपर करो ना, पूरे के पूरे कीड़े मुंह में घुस जाते हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं ऑफ रोड वाली जगह पर, अभी ना स्टार्टिंग से ये हालत है, आगे जाके मुझे लग रहा है बहुत गंदी वाली हालत होगी, देखते हैं भाई कैसी ऑफ रोडिंग रहती है ना। अभी ने मेरी बाइक की बहुत गंदी वाली बैंड बजने वाली है, मुझे पता है। ये देख रहे हो ऑफ रोड की शुरुआत हो गई है, तो भाई मुझे ज़्यादा पानी उछालना नहीं, क्योंकि मैंने मडगार्ड लगाया नहीं है, पूरा भाई कीचड़ अपने पर गिर जाएगी। ये देखो नमूने के टी एम चला रहे हैं, RC 200 चला रहे हैं, पता नहीं किसी RC 200 है ये। मैंने शूज़ भी दूसरा लगा के लाया यार, ये कट ना जाए इधर पे भाई, मुझे लग रहा है आसार पूरे गिरने के अपने यहाँ पर, कीचड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। शूज़ ही मैंने लगा के ना दूसरा वाला, मुझे नहीं पता इतना गंदा ऑफ रोड होगा कीचड़ वाला खासकर। ओह आवाज़ गूंज रही है क्या। तो गाइस ये देख रहे हो इस टनल के अंदर से हम आए, और आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंज रही थी ना, ये रही नई वाली RC 200, ये रही पुरानी वाली RC 200। इसकी ना थोड़ी शार्प लुक है, बड़ी प्यारी भी लगती है, उसकी इतनी ज़्यादा नहीं लगती भाई, इसका मुकाबला वो नहीं कर सकती, क्योंकि भाई इसकी लुक ना बहुत ज़्यादा किलर है। 2021-22 में ऐसा कुछ सीन हो गया ना कि ये वाली बाइक की बहुत कम बिक्री है, और बिक्री है सिर्फ ड्यूक 250, साढ़े ड्यूक के बिक्री है, और ड्यूक में भी सबसे ज़्यादा बिक्री जो है ना ड्यूक 250 बिक्री है, क्योंकि ना इसकी जो लुक दी गई है बहुत प्यारी की दी गई है, और 390 वाली हेडलाइट है जो मैंने सुबह ही आपको कहा था बहुत प्यारा है। मुझे नहीं पता यहाँ से कैसा ऑफ रोड होगा, अगर आगे करने का मन होगा तो भाई आगे करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो अभी ना ये चीज़ मुझे पता है मेरी बाइक बहुत ज़्यादा गंदी होने वाली, साथ से मेरा बैग जैकेट सब खराब होने वाला, तो यहाँ से आगे घर में जाके मार पड़ने वाली बहुत ज़्यादा। तो गाइस अपने यहाँ से आगे हम जा रहे हैं, यहाँ से रोड वगैरह पता नहीं है, वो भाई कीचड़ ना पूरे बैग पे गिर रही है, मुझे पूरा फील हो रहा है। मडगार्ड ना लगाने का नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, घर पहुँचने से पहले मुझे धुलानी पड़ेगी अपनी बाइक, वो देखो पूरा टायर रगड़ दिए, देख रहे लोग सारे दी देख रहे हैं, ये आज कहाँ बाइकर्स आ गए, ना जानवर चलने वाला रास्ता, और यहाँ ये बाइकें लेकर आ गए। ओहो दलदल में नहीं फंसानी हमने अपनी बाइक, ईची अभी ना मेरे आने से पहले इनकी क्या हालत हुई थी वो मैं आपको भाई दिखा दूंगा आगे। ओ ध्यान से भाई ध्यान से, जो मेरे सामने RC चल रही है ना इसमें ट्रैक टायर लगे, फिर भी भाई ऑफ रोड कर रहा है ऐसा ही जिगरा से बंदे को, नहीं तो भाई ट्रैक टायर नहीं टिक पाते ऑफ रोड पे। तो गाइस देख रहे हो निंजा कहाँ से क्रॉस कराने की कोशिश कर रहा है ये। ओहो ले गया ले गया, अटक जाएगी भाई। निंजा कहाँ से उतारी उसने, उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम है फिर भी उतार दी उसने। तो ये रही भाई यहाँ से आगे रेत ही रेत भाई, कितनी ज़्यादा कीचड़ है यार, यहाँ पानी में से जा रहा हूँ मैं और पूरे कपड़े खराब जो वो। ओहो भाई वो ध्यान से भाई, मेरी बाइक फिर ध्यान से उठा बाइक उठा यार, वो क्या कर दिया यार उसका, तुम कहाँ है टक्कर मार रहे हो दूसरे के साथ, ध्यान से
आगे कर बाइक। ओए देखो, ओए भी लगी है, खून निकाल दियो। अरे लगी खून लगी है यार पाँव में, नहीं है पूरी जान पूरी। ये तो कोई जूता था वो, ये भी यार बड़ा भारी निंदा है। इसने भाई आस्ता आस्ता आगे, आराम से आराम से, आराम से निकालना है। ऊपर जैसे सूखी खून कितना गिर रहा है यार इसको, खून तो मिट्टी में भी गिरा है नीचे। इसका पहले हाथ दबा यार, खून रोके इसको, मिट्टी पे भी गिर रहा है। बैंडेज वगैरह है किसी के पास? रुक जा रुक जा, मैं आपके पास बैंडेज है? आराम से आराम से। अंदर लगी उसको यार, ब्लड इसको निकल रहा है बहुत ज़्यादा। आराम आराम से आराम से। अरे भाई लीवर भी टूट गया, ये पूरा टूट गया यार। इसको बाइक ही नहीं सीधी हुई है, पूरा मेरे ऊपर गिर रहा है यार। ओ यार मेरे को बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है यार, ब्लड निकल रहा है बहुत ज्यादा। कितना टाइम लगा रहा है भाई, निकल। ओ बाइक साइड कर, बाइक साइड कर। ये पता नहीं केटीएम वाला कर रहा क्या था, पूरा भाई साथ में घुसा गए यार, लग गई उसको बहुत ज्यादा। निंजा का भाई नुकसान बहुत ज्यादा होता है इसको। नॉर्मल लीवर गार्ड टूटा मुझे लग रहा है, वो भी बड़ा महंगा पड़ेगा। मैं उस साइड करने लगा तो इतनी देर में गिर गया यार। इसकी बाइक स्किड हुई है, पीछे से बजी है मेरे टायर के साथ। जब मेरा टायर भी दलदल में था तो मेरे को बाइक ही नहीं उठाने हुई, मेरा पांव घूम गया नीचे। उंगली उंगली कर दी कोई लगा तो नहीं है जगह? नहीं इसको लगी अंकल, उंगली को लगी थोड़ी बहुत, ये इतनी लगी ना। फिर कोई बात नहीं, और ना कोई भाई। ये रही निंजा इसकी, देख रहे हो भाई इसको मिट्टी यहाँ लगी है। शुक्र है इंडिकेटर वगैरह बच गए ना, बहुत ज़्यादा महंगी आती है चीज़ें, तो अभी इसकी हालत देख रहे हो तुम। शुक्र है भाई इन चीज़ों ने ना बचा दिया इसको, क्रैश गार्ड वगैरह ने। तो बाकी ये देखो भाई, ये पूरा मोमेंट करा है बेचारा, तो पूरा टूट गया। ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा महंगी आती है, इसने सारा पिट स्टॉप्स लगा। अभी तक ये लाइटें इसने ना 12,000 की लगाई है, तो सोच सकते हो कितनी महंगी इसकी एसेसरीज आती है। तो अभी ना इसको बंदे को बहुत ज़्यादा लगी, ऑफ रोड करने आए थे ना दोनों, साथ चला रहे थे, तो भाई इसका टायर स्किड खा गया, तो मैंने इतना ख्याल नहीं दिया। तो भाई दोनों के साथ टक्कर होगी कि भाई को इतना कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो ये चीज़ टूट गई इसकी, इसका भी नुकसान हो गया भाई बहुत ज़्यादा। तो बाकी ना भाई इसको कुछ भी नहीं हुआ है ज़्यादा, तो मुझे नहीं लग रहा है इसको कुछ ज़्यादा कुछ हुआ है। तो बोल था भाई थोटल नहीं लग रहा है, देख रहे हो थोटल अटक रहा है पूरा, ये देख रहे हो वापस आ ही नहीं रहा है। ये देखो वापस बिल्कुल आ रहा नहीं, ये भी भाई ख़राब। भाई नॉर्मल ऑफ रोड कर रहे थे भाई, यहाँ भाई अलग ही सीन हो गया। इसका थोटल देख, ओ मेरी भी गिर गई यार, शिट यार। तेरी भी गिरने वाली है फिर 10 की। कुछ टूटा तो नहीं इसका यार? इसका तो कुछ होगा नहीं ज़्यादा कुछ, ये नहीं भाई इसका कुछ होगा नहीं, ये ड्यूक कैसे कुछ होता नहीं है यार, इसकी पेरिंग नहीं है। वही तो बात, इससे बाहर से क्रैश गार्ड है यार, मुझे लगता है मेरा हाथ ना लीवर से कटने हुआ है ना। हाँ कटा हुआ है भाई, ऑफ रोड आज मैं महंगा पड़ गया यार बहुत ज़्यादा। अभी ना हम जाएंगे किसी मेडिकल शॉप पे, वहाँ से थोड़ा ट्रीटमेंट करा देंगे, क्योंकि जो कट लगा है ना उसको हाथ में बहुत गहरा लगा हुआ है। क्या हुआ उसको ना? मैन पैर में बहुत लगी है, इसके अलावा भाई कैसे चलाएगा ये? हाथ पे तो नॉर्मल काट है लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा है। ब्लड ऐसे गिर रहा था ना भाई, पानी की तरह गिर रहा था बहुत। आवाज़ देख रहे हो क्या गूंज रही है अंदर, ये सिर्फ निंजा अकेले की आवाज़ है। ओ भाई ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ओह भाई मैं भी गया था, मैं इसको बोल रहा ध्यान से लाने के लिए, मैं खुद ही कर गया था। टायर इसके अंदर ना कीचड़ भर के आ गई है, तभी स्लिप खा रहे टायर हमारे। अभी तक ये जितने ऑफ रोड किए ना, सबसे घटिया ऑफ रोड रहा हमारा ये, सबसे घटिया ऑफ रोड, जिसमें इतना ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा। अभी तक हमने बहुत ऑफ रोड के लिए, कभी किसी बाइक का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और गाइस यहाँ की एक चीज़ मैंने देखी ना, यहाँ लोग कैसे नज़रिका है वो लगी तो नहीं ज़्यादा, तो पैर वगैरह चेक करने लगे। अगर यही हमें हमारा सीन हाईवे वगैरह पे होते ना भाई, पुलिस वाले हमारे पीछे दौड़ते सर हाथ में। और आजकल ये प्रॉब्लम है जम्मू के अंदर, शुक्र हम साइड भी थे, यहाँ ना पुलिस वाले भी आ जाते हैं बीच बीच में। ओ ओ क्या कर रहे थे यार, फिर से गिरा गया। वही भाई भाई आराम से, कैसे यार बाइक तो भाई यार ये फंस गया इसके अंदर से, वो देखा पूरा लीवर फंस गया अंदर। आराम से अब पूरी बाइक टूट गई, ये देख तो ये पूरी सच में टूटी गई। ओहो ध्यान से
अपनी बाइक नहीं टूटी है यार। गाइस आज क्या हो रहा है यार, ये फक फक सीन हो रहा है यार। पहले दोनों बाइक, ये कैसे निकलेगा क्रैश गार्ड, इसका लिवर गार्ड कैसे निकलेगा यहां पे यार, ये लिवर गार्ड फक फक। मैं पहले ये तोड़ दो, तोड़ दे, तोड़ यार इसको। नहीं नहीं उपकदा यार, पूरी बाइक टूट गई यार। कहां से बजी कहानी, जैसे नीचे दिखाना भाई काम बजी यार। नीचे कुछ नहीं बज, स्क्रैच वगैरह बजे हैं। तोड़ दे शिट यार। बच गए, फिर से चल गया तो बजरी बस लिखाई। बाइक का ना बड़ा नुकसान हो गया, मैं बोल रहा हूँ निंजा के पार्ट्स तक स्क्रैच बच गए यार। इतने ज़्यादा स्क्रैच बच गए ना भाई, पूरा लीवर ना फंस गया था नीचे फेयरिंग के अंदर, तभी जाके गिरा ही नहीं तो भाई गिरने वाला नहीं था। लीवर का सीन था ना, इसको मैंने पहले कहा था लीवर ना जो है ना भाई इसको ऊपर तक मोड़ के रख, लेकिन नहीं माना इन्होंने। तो लीवर गार्ड तो एक ही टूटा था पहले, दूसरा भी टूट गया, साथ साथ बाइक के स्क्रैच वगैरह भी लग गए, और फेयरिंग ना भाई पूरी की पूरी लगभग स्क्रैच से भाई भर के आ गई, और साथ में थोड़ा बहुत फेयरिंग थोड़ी बहुत टूट भी गई है यार। अभी ना उसको हम कहीं साइड में बैठ के वॉश कराएंगे, पछता चेक करेंगे क्या क्या हुआ है, वहीं जाके हमें पता चलेगा। अभी यहाँ तुम चेक करो ना, ये देखो यहाँ पूरा पेंट वगैरह उड़ चुका है, ये ना पूरा टूट भी चुका है यहाँ से, और स्क्रैचेस यहाँ से पूरे बच गए। अभी ना ये चीज़ ना यहाँ फंस गई, तभी ना ये गिर गए उस जगह। अगर हाईवे पे ऐसा कोई सीन होता ना, सोचो किस स्पीड से गिरते, तो अभी यहाँ पे भी स्क्रैचेस वगैरह बच चुके हैं। तो अभी ना इसको मैन ये चीज़ें टूट चुकी है, फेयरिंग का ना ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि अगर ये पार्ट वगैरह नया लगाएंगे ना तो बहुत महंगे पड़ते हैं निंजा के पार्ट। तो अभी ना उतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है इसको, तो बाकी ये बोरा इंश्योरेंस में क्लेम ले लेगा ये, तो बाकी मुझे लगता है मिल जाएंगे पार्ट, कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो गाइस अभी ना यहाँ से हमने निंजा वाले को कर दिया बाय बाय, तो अभी ना अपनी बाइक के लेके निकलते हैं हम यहाँ सर। तो मैं कहता हूँ गाइस तुम सबको व्लॉग मेरा अच्छा लगो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर देना व्लॉग मेरा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।